this for the last time. And the winner of Big Boss OTT 3 is Sara Makhboor! सो गाइस फाइनली बिग बॉस OTT 3 ख़त्म हो चुका है। सना मकबूल विनर बन गई है, इसलिए ही मेरी सांस में सांस थोड़ी आई है भाई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, क्योंकि जब मैंने देखा ना भाई कि जो सबको लग रहा था यार, सीधी सी बात है, सबको लग रहा था जिन्होंने शुरू से बिग बॉस देखा हो कि भाई जी ये लपकेश कटारिया, विशाल पांडे या फिर शिवानी कुमारी है, इनमें से कोई एक जीतेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और हमने जितने बिग बॉस देखे हैं पहले के सारे वो जीते हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी थी सोशल मीडिया पे, जब से सारे के सारे यूट्यूबर्स बिग बॉस के अंदर आए हैं। पर बिग बॉस ने कहा था यार ऐसे कैसे, अगर सारे के सारे पहले ही सोच लेंगे तो हमारा बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे कोई आएगा ही ना, सारे सारे यूट्यूबर जीतने वाले हैं। तो बिग बॉस ने दिमाग लगाया और कहा भाई इनको निकालो बहन चोद, अब हमें ये चाहिए ही नहीं, दूसरे को आने दो। तो फिर बिग बॉस ने इनको घर वालों से पिलवा दिया और आउट कर दिया। पर यार मेरा दिमाग तो अभी भी, मेरे को तो यार अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई टॉप 5 में कौन कौन पहुंचा यार। साई केतन राव जो साइलेंट भाई, ये बंदा तो बोला ही नहीं जहाँ बोलना चाहिए था, वहाँ भी नहीं बोला। ये तो साला बस इसने अपना एक रोल दिखाया भाई ने, और उसके अंदर ही उसकी एक क्लिप भी चलती रही, यही बकचू दिखे पेल दी भाई ने। और भाई ने और कुछ नहीं किया पूरे शो में, शांति से काड़ा। और भाई दूसरे भाई हमारा नेजी दबा, इसकी रैप की बकचोदी कहीं भी शुरू हो जाती है। मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हक दिया। रैप पैप उसका आता नहीं है, बस बकचोद निकल लो कहीं पर भी, कुछ भी बना दो भाई। सोने और गाने खाने आया था मैं, एक बात की गारंटी देता हूँ आपको, ये बंदा बिग बॉस जीतने नहीं, इसको इस बात की खुशी है कि मैं, मेरे को अच्छे से खाना मिला, मैं अच्छे से सोया और कुछ नहीं किया भाई ने। इस भाई को तो गुस्सा भी नहीं आया, बस सोता रहता था आँखें खुली करके, ऊपर देखता रहता था, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं भाई का। और भाई कृतिका मलिक, इसके तो क्या कहने, ये तो दिखती भी नहीं थी कि ये भी है क्या, बस अरमान मलिक के साथ घूमती रहती थी इधर उधर, इनका कोई टॉपिक नहीं था कोई भी, डब्बा गोल था इनका भी। पर पता नहीं फिर भी यार ऐसे लोग कैसे टॉप 5 के अंदर पहुँच गए। रणवीर सॉरी की बात कहनी पड़ेगी यार, जब शुरू में बंदा आया था ना तो मुझे लगा था कि यार ये तो बस गुमा हुआ कलाकार है जिसको कोई जानता नहीं है भाई, की पहले फिल्में आई थी पर कोई देखता नहीं था, इसलिए भाई बिग बॉस के अंदर आए थे। पर इसके बाद भी भाई ने अच्छा खेला, इंटरेस्ट आया इनको देख के, इनकी कॉमेडी अच्छी थी यार, बात करनी पड़ेगी कॉमेडी अच्छी थी, बहुत गजब की फूर्ती है भाई के अंदर, और अच्छा अच्छा संभाला इन्होंने, लगे नहीं मेरे को कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है भाई। नीरज गोयल चले गए शुरू में आते यार, और भाई दीपक चोरी से गए नहीं बहुत देर तक, तो मुझे समझ नहीं आया यार ये क्या चक्कर है, ये है बिग बॉस, तो यही बात करनी पड़ेगी यार। पर ये टॉप 5 को देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, और इस बार के जो फाइनल की तो हाइप थी ना वो भी नहीं थी। चलो टॉप 5 ठीक है, पर उसके बाद जो टॉप 2 था ना उसके अंदर तो यार और गुस्सा आया, कि जब सोतड़ू आदमी इसने कुछ नहीं किया पूरे बिग बॉस के अंदर, और इसको सब बोरिंग बोरिंग कहते थे, क्योंकि ये बोरिंग था यार सीधी से बात है। तो भाई ये बंदा टॉप 2 में पहुँच गया, विशाल पांडे, लपकेश कटारिया, शिवानी कुमारी उससे पहले ही बाहर चली गई। जब लपकेश गया था ना उसके बाद ही लोगों ने आधों तो जियो सिनेमा ही डिलीट कर दिया, क्योंकि भाई मज़ा नहीं आ रहा था फाइनल के अंदर। पर सना मकबूल ने बिग बॉस की साख बनाए रखी और ये ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि सना मकबूल ने अच्छा खेला, शुरू से एंड तक अच्छे से लड़ती रही, इसलिए बिग बॉस OTT 3 इनके नाम रहा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यार ठीक ठाक था, मिला जुला था, पर इतनी तगड़ी हाइप नहीं थी इस शो की जिससे पहले वाले की थी, पहले वाले सीजन की थी, इसलिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू सना मकबूल, और ठीक ठाक था, एवरेज शो था। चलो बाय गाइस, मैं मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो के अंदर।